एज इफ यहाँ मेरे पास क्विक फिक्स है. वन मस्ट नो द फिंगर इज सप्लाइड बाय फोर आर्टरीज. ओके, देर आर टू मेजर एंड टू माइनर आर्टरीज एंड इट डिपेंड्स एट विच प्लेस द इंजुरी हैज हैपेंड. ओके, इफ इट इज एट द पॉइंट ऑफ द ज्वाइंट देन सर्टेनली इट इज डिवास्टेटिंग बिकॉज सर्टेनली यू हैव टू कट ए शॉर्ट लेंथ ऑफ इट एंड देन रीयूनाइट इट. So that is a very tedious thing and it requires almost 3 to 4 hours surgery and lot of expenses also. What I mean to say is that whatever you have an option, you can keep the fingers or the damaged part, crushed part in a dry polythene bag, waterproof, and then you place ice pack around it. Usually people come up with a finger floating in a ice-filled bottle, okay? And that is devastating. Second thing is that if we did a surgery on a finger, the actual results comes after 7 days. Actual result. That too depends on the age, the type of repair, the area at which the damage has been done, and fourth thing is climatic condition. If it is in hot weather, then survival rate is least. ये हमारा एसोसिएशन मुस्लिम डॉक्टर्स का 8वां नेशनल और 12वां स्टेट कॉन्फ्रेंस था. ये हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 2009 में, हर साल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं. इस बार भागलपुर में हुआ. मेन उद्देश्य हमारा है कि हम लोग स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को कैसे सोशली अपलिफ्ट करें, एजुकेशनली, हेल्थ के लाइन से. तो चूँकि और लोग काम कर ही रहे हैं तो हम लोग को लगा कि बीइंग ए डॉक्टर कुछ समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए. तो हम लोग ने जस्ट कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम्स का है. जैसा इम्तियाज सर हमेशा कहते हैं कि अपने लोगों के उत्थान के लिए हम ही लोग उठना पड़ेगा. दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, नो डाउट, सरकार भी काम कर रही है, लेकिन हम लोग की जिम्मेदारी है कि अपने घर को, अपने लोगों को पहले हम देखें. तो बस एक दिल में आया जज्बा कि हम लोग कुछ सोसाइटी को कुछ दें. तो अभी हम लोग खास के एजुकेशन पर नीट 2020 के नाम से कोचिंग शुरू किए हैं कि हम बीइंग ए डॉक्टर, डॉक्टर क्यों नहीं प्रोड्यूस करें, अपने बच्चों को भी पढ़ाना है. 16 बेटे, करीब 40 इस बैच में हैं. इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि 50% प्लस रिजल्ट हमारा पहले भी था. मेरा नाम मोहम्मद, डॉक्टर मोहम्मद अतर अंसारी, हम एसोसिएट प्रोफेसर हैं नालंदा मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स में, लेकिन इस एसोसिएशन के हम सेक्रेटरी हैं. मेरा प्रेजेंटेशन था चेंजिंग ट्रेंड इन द मैनेजमेंट ऑफ स्पाइन अफेक्शंस, स्पाइन डिजीजेस. मोस्टली जिस पर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं वो है लो बैक पेन. इसमें जो चेंज इन ट्रेंड है, जैसे हम आज से 20 साल पहले जब या 10 साल पहले कहीं भी कमर दर्द के लिए पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन देंगे, कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, शायद एक बेल्ट दे दें आपको, और ये ट्रीटमेंट का एंड होता था. अभी ट्रीटमेंट मोडालिटी बहुत चेंज हो चुकी है, बहुत सारा फ़र्क आया है उसमें. एडवेंट ऑफ MRI ने बहुत सारी चीज़ों को बदला है. बहुत न्यूअर टेक्निक्स आई है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है. उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है रूट ब्लॉक इंजेक्शन. स्पाइन सर्जरीज हो रही हैं भागलपुर में. मैं डॉक्टर मोहम्मद सेहल खानाबेद में बजाते खुद सारे अपरेटस और इंस्ट्रूमेंट्स को अरेंज किया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, ताकि स्पाइन सर्जरी को भागलपुर में नू कैन कॉर्नर पर पहुँचाया जाए एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस एंड इन द बेस्ट ऑफ मतलब टेक्निकलिटीज़ के साथ, जो बॉम्बे लेवल का की टेक्निकलिटीज़ हैं. उसमें हम लोग जो काम कर रहे थे रेनाउंड इंडिया लेवल स्पाइन सर्जन के साथ, उस टेक्नोलॉजी को हम लोग कोशिश कर रहे हैं भागलपुर में यूज़ करें, ताकि पेशेंट्स को, लो बैक पेन के पेशेंट्स, डिजेनरेटिव डिजीज़ के पेशेंट, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने वाले पेशेंट्स, उन सबका इलाज किया जा सके, और इसको हम लोग आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. आज का कॉन्फ्रेंस जो डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था, इस कॉन्फ्रेंस को दो पर्पज़ के लिए ऑर्गेनाइज किया गया. एक कि डॉक्टर को कंटिन्यूस अपने नॉलेज में अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज़ के लोग को बुलाया जाता है और उसके लिए कॉन्फ्रेंस अरेंज करते हैं. बाहर से पटना से डॉक्टर रशद, जो पैटर्न डॉक्टर मिस्टर अभियानंद थे, जो प्रीवियस DGP रहे हुए हैं बिहार के, और वे जाने माने फिजिसिस्ट हैं बिहार के, उनको सारे लोग जानते हैं, उनके गाइडेंस में ये चल रहा था.
तो दो पर्पस है हमारा कि एक अपना अपलिफ्टमेंट करना जो कि सारे कॉन्फ्रेंस का मेन मोटो होता है, और उससे बड़ा मोटो हम लोग ये लेके चल रहे हैं कि सोसाइटी के जो डिप्राइव्ड पर्संस हैं, जो गरीब हैं, जो अपने को संभाल नहीं सकते हैं, पैसे की वजह से कमज़ोर हैं या किसी और वजह से भी सोशली या सोशियो इकोनॉमिकली जो वीकर हैं, उनको हम लोग अपलिफ्ट करें एडुकेशन के माध्यम से, हेल्थ को उनके लिए फैसिलिटेट करके, सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड करके, ये हमारा कर्तव्य है। मैं डॉक्टर रियाजुद्दीन अहमद, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ सर्जरी में मेडिकल कॉलेज में। मैंने आज AMD कॉन 2021 के कॉन्फ्रेंस में ट्रेंड इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मींस हार्ट अटैक में आज रिसेंट ट्रेंड क्या है, क्या चेंजेज आया है, इस चेंजेज के बारे में मैंने एक ड्रग से, दवा से या फिर स्टेंटिंग से, एंजियोप्लास्टी से या कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग से, कहां पर किसका सही टाइम पर आइडियल इंडिकेशन है, कौन आइडियल कैंडिडेट है जिसको केवल ड्रग पर रखा जाए, कौन आइडियल कैंडिडेट है जिसका एंजियोप्लास्टी किया जाए, कौन आइडियल कैंडिडेट है जिसका CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग किया जाए, फिर उसके बाद हार्ट अटैक हो जाने के बाद क्या क्या ड्रग चलना है, कितने टाइम तक चलना है और क्या उसका रिस्क असेसमेंट होगा, उसको रिहैबिलिटेट कैसे करेंगे, उस चीज के बारे में हमने की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मैं अपने बारे में अपने इंट्रोड्यूस कर दूं, मैं डॉक्टर वली डेंटल सर्जन भागलपुर हूं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग बिहार में, यूपी में, हम लोग यहाँ ज्यादातर पान मसाला, पान तंबाकू बहुत यूज करते हैं हम लोग, तो ये सबसे बड़ा कारण है हमारा ओरल कैंसर का। इसलिए कि जो हम लोग जो तंबाकू यूज करते हैं, जो भी यूज करते हैं, खैनी यूज करते हैं, खैनी च्यूइंग करते हैं, खैनी बहुत देर तक वो रखे रहते हैं अपने जगह पे, तो वहां पे क्या होता है, कॉन्स्टेंट इरिटेट करता रहता है, कॉन्स्टेंट इरिटेट फॉर आवर्स। उसके बाद वहां पे डिस्प्लास्टिक चेंजेस होता है जो बाद में कैंसर की तरफ बढ़ जाता है। इसलिए हम लोगों को बोलना चाहेंगे कि आप अपना ध्यान रखिए, मुंह में किसी तरह का कोई छाला हो, अब जब भी देखिए, आप जब देखते ही अपना फेस देखते ही हैं, जब भी फेस देखते हैं मुंह भी खोल के देखिए, किसी तरह का कोई व्हाइट स्पॉट हो या कोई ऐसा जख्म या छाला जो आपको एक महीना 15-20 दिन से ज्यादा तक चल रहा हो, तो उसको तुरंत डॉक्टर को बस दिखाइए। सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग तंबाकू यूज करते हैं, दैट इज खैनी च्यूइंग। नंबर दो, आप एक वेरी कॉमन है कि आप देखिएगा जुबान में मेरा, किसी के भी, कि वो जुबान बराबर कटता रहता है, सर मेरा जुबान यहाँ पे कट रहा है, वो दांत से कट रहा है, तो क्या होता है, कोई शार्प दांत होता है, जैसे कोई डिकेट दांत है, मतलब कीड़ा लग गया वहां पे, दांत टूट गया और वहां पे धार हो गया, धार से जुबान में कांस्टेंट इरिटेट करता रहता है, वो कांस्टेंट इरिटेट होने से वो अल्सर होता है, जो अल्सर बाद में हील नहीं करता, जाकर वो कैंसर ग्रोथ हो जाता है। इसलिए इसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए आप 6 महीने में एक बार डेंटल सर्जन के पास जाके अपना ओरल और डेंटल चेकअप करा लें। उससे क्या होता है कि वो एक समझिए आपको सर्विसिंग, इस तरह आप गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी को सर्विसिंग कराते हैं, उसी तरह से मुंह में भी है, आप चेकअप कराइए, डॉक्टर देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, वो ठीक करेंगे। जी मैं डॉक्टर इमराना रहमान, मैंने बहुत ही आम सी टॉपिक जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा सब असर करती है, खास करके महिलाओं की जिंदगी में, क्योंकि उनकी जो बच्चे जनने की जो क्षमता है उसको डायरेक्टली असरअंदाज करती है और उसको इम्पैक्ट करती है, वो है ट्यूबरकुलोसिस, खास के वो फेफड़ों की ट्यूबरकुलोसिस नहीं बल्कि फीमेल जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस, महिलाओं के गर्भाशय की, उनकी नलिकाओं की और जो अंदर की परत जहां बच्चा चिपकता है, जो भ्रूण चिपकता है, उसके परत की ट्यूबरकुलोसिस जो कि बहुत नज़रअंदाज होती है, ये इससे सेंसिटाइज करना है हम फिजिशियंस को भी कि वो इस तरह के केसेस को रेफर कर दें, क्योंकि ये बड़ी कॉमन है, खास के ऐसी लड़कियां जो जिन्हें माहवारी की अनियमितताएं हैं या उन्हें हमेशा क्रॉनिक पेल्विक पेन है, पेट में नाप के नीचे हमेशा दर्द सा रहता है, जिनके वजन नहीं बढ़ते और जिन्हें बच्चे नहीं होते या महीने की कमी हो जाती है, तो
वैसे लोग जो हमारे, ये कोई अमेरिका या यूरोप नहीं है जहाँ पे इसकी परसेंटेज बहुत ही कम है। ये डिपेंड करता है कि हम किस पार्ट में रहते हैं, शायद ये साउथ इंडिया में बहुत कम होगा, लेकिन हमारे जिस ईस्टर्न प्रांत में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। करीब करीब 50% लोग इससे ग्रसित हैं, जो हमारी इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में खासकर, और ये उसके अंडे बनने की भी जो क्षमता है उसमें भी ये बहुत अपना असर करती है, उसके ऊपर बहुत उसे उसकी क्षमता को बहुत कम कर देती है ये टेबेक्लोसिस, और खास के नसों को बंद कर देती है, उसको ब्लॉक कर देती है। इवन की हल्का सा भी जरूरी नहीं कि ऐसी महिलाओं को फेफड़ों की टीबी हो, खांसी हो, या कहीं पे भी फोकस होता है, ये लेटेंट स्टेज में अगर हम ट्यूबरक्लोसिस को पकड़ लें, खास के फीमेल जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस से, जो कि हम जान सकते हैं हिस्ट्रोसेल, जैसे फेफड़ों के लिए एक्सरे होता है उसी तरह से इसके लिए हम हिस्ट्रोसेल्पिंजोग्राम करते हैं, लैप्रोस्कोपी करते हैं और हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, और अपने सेट ऑफ एल्गोरिथम डायग्नोसिस के लिए ये सारे को कंबाइन करके बनाते हैं कि हम इस तहत से इसको डायग्नोस करें ना। इसके लिए बैटरी ऑफ टेस्ट है जिसका लिस्ट बिल्कुल एंडलेस है, यहाँ तक कि ये कामा मांटू टेस्ट है, क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड है, और लेटेस्ट टेस्ट भी हैं जो कि जैसे जीन एक्सपर्ट अल्ट्रा है, बैक्टिक कल्चर है, और ये सारी टेस्ट है। बट ये महिलाओं के सिलसिले से जो ट्यूबरक्लोसिस जेनिटल है उसके उसमें ये उसमें हम रिलाई नहीं कर सकते, ये इन्फॉर्मेटिव नहीं है और उसके बहुत अच्छे इंडिकेटर नहीं है। ये कोई भी ये सारे टेस्ट जो है ये बैकअप में हम एक ले सकते हैं इसे इन्वेस्टिगेशन के तौर पे, लेकिन ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि हाँ इस इंसान को ये टेस्ट पॉजिटिव है तो उसमें ये बीमारी है और नेगेटिव है तो बीमारी नहीं है। ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है, तो ये क्लिनिशियन के ही ऊपर निर्भर करता है और ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको लैप्रोस्कोपी से, हिस्ट्रोस्कोपी या कैमरा डाल के पेट में और दूरबीन से इसको डायग्नोस करने की कोशिश करें, और इसमें सिर्फ बायोकेमिकल ब्लड टेस्ट से जिसको नहीं तय किया जा सकता, बल्कि इसमें सहारे की जरूरत है, हिस्ट्रोसेल्पिंजोग्राम, हिस्ट्रोसोनोसेल्पिंजोग्राम, लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इसकी दवाओं का सेवन डॉट्स रेजिमेन के तहत शॉर्ट कोर्स ऑफ कीमोथेरेपी देते हैं जो बिल्कुल स्टैंडर्ड रेजिमेन है, और जिसमें जिसे बहुत जरूरी ये बात है कि इस सिलसिले से कि इसे हमें बीच में नहीं छोड़ना है, पेशेंट को फॉलो करते रहना, उसको एजुकेट करना है कि इसको कंटिन्यू करें,